फर्स्ट ईयर पास कर लेता है और फिर वो छोड़ देता है किसी भी कारण से, तो उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि हाँ, इन्होंने फर्स्ट ईयर किया है, जिससे कि वो आने वाले समय में कहीं भी जाकर किसी कंपनी में या कहीं भी जॉब में अपना दिखा सकता, हाँ जी मैंने फर्स्ट ईयर किया। ये नई शिक्षा नीति के तहत अगर कोई मान के चलो सेकंड ईयर करके छोड़ देता है, किसी भी कारण से सेकंड ईयर पास होने के बाद छोड़ देता है, तो उसको डिप्लोमा दिया जाएगा। जिससे कि वो कहीं भी जाता है तो उसको ये कंपनी में किसी में भी तो उसको जानकारी हो जाएगी, जो कंपनी के वो मैनेजर वगैरह हैं, जो भी एमडी वगैरह हैं, कि हाँ इन्होंने अगर 2 साल किया है तो इनके पास डिप्लोमा है। क्लियर? मतलब कि 2 साल उस विद्यार्थी की खराब नहीं होगी नई शिक्षा नीति के तहत। क्लियर? ये भी पूछे जा सकते हैं करंट में कि पहली साल पास होने के बाद उसको क्या दिया जाएगा, सर्टिफिकेट। सेकेंड ईयर पास करने के बाद छोड़ देते हैं तो उसको क्या दिया जाएगा, डिप्लोमा। और अगर थर्ड ईयर पास करने के बाद वह छोड़ देता है तो उसको क्या दी जाएगी, डिग्री। याद रखनी है उसको, तब दी जाएगी डिग्री। तब उसको क्या दी जाएगी, डिग्री। बात समझ में आ रही है? और अगर वो किसी वजह से 4 साल क्लियर कर लेता था, अगर 4 साल क्लियर कर लेता तब क्या दी जाएगी उसे, डिग्री के साथ रिसर्च सर्टिफिकेट। याद रखें, डिग्री के साथ रिसर्च सर्टिफिकेट। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। यदि वो पूरी 4 साल करता, कोई भी विद्यार्थी अगर पूरी 4 साल करता है ग्रेजुएशन के, तो उसे डिग्री के साथ प्लस क्या दिया जाएगा, रिसर्च सर्टिफिकेट। रिसर्च सर्टिफिकेट। क्लियर? तो ये नई शिक्षा नीति के तहत कुछ बदलाव किए गए हैं भारत की एजुकेशन पॉलिसी में, है ना? तो इसको भी थोड़ा याद रखें। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नई शिक्षा नीति के तहत किस कक्षा को समाप्त कर दिया गया। एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, नई शिक्षा नीति के तहत किस कक्षा को समाप्त कर दिया गया। तो याद रखें, एमफिल। एमफिल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नई शिक्षा नीति के तहत किस कक्षा को समाप्त कर दिया गया है। तो एमफिल याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। एमफिल का मतलब होता है मास्टर ऑफ फिलोसफी। याद रखना है, मास्टर ऑफ फिलोसफी। पहले क्या होता था, अच्छा एमफिल की क्यों जरूरत पड़ती थी, अगर किसी विद्यार्थी को पीएचडी करना है। बात को ध्यान से समझे, सिर्फ इसीलिए एमफिल समाप्त किया है, एक बार समझ लें। अगर किसी विद्यार्थी को पहले पीएचडी करना होता था डॉक्टर बनने के लिए, नाम से पहले डॉक्टर के लिए, तो पीएचडी से पहले उसे एमफिल करना होता था पहली शिक्षा नीति के तहत। अब क्या होगा, ग्रेजुएशन करने के बाद, इसको करने के बाद कंप्लीट, उसको एमए करना पड़ेगा, और एमए के बाद पहले करना पड़ता था एमफिल, और एमफिल के बाद करना पड़ता था पीएचडी। अब क्या होगा, नई शिक्षा नीति के तहत पहले ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद फिर एमए, और एमए के बाद सीधे पीएचडी, ना कि एमफिल। एमफिल को समाप्त कर दिया गया, अब एमए के बाद आप सीधे पीएचडी कर सकते हैं। नई भारतीय शिक्षा नीति के तहत ग्रेजुएशन, उसके बाद एमए, उसके बाद सीधे पीएचडी कर सकते हैं, अब एमफिल की कोई जरूरत नहीं है। तो याद रखें, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नई शिक्षा नीति के तहत किस कक्षा को समाप्त कर दिया गया है। तो याद रखेंगे, एमफिल को समाप्त कर दिया गया है, मास्टर ऑफ फिलोसफी। तो इतना लगभग मेरे हिसाब से समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है? तो ये कुछ ऐसे तथ्य थे एग्जाम में आने लायक, जो करंट अफेयर्स के तौर पर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आने वाले सन 2021 के किसी भी एग्जाम में। मैं ये नहीं कह रहा एक ही एग्जाम, सिविल सेवा से लेकर और लोअर लेवल तक के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन लगातार पूछे जाएंगे, और इस कक्षा में मैंने इन सभी क्वेश्चनों को कवर करने का पूरा प्रयास किया है, ठीक है? तो वैसे समझ लें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या थी, एक बार फिर से मोटी भाषा में मैं बता दूं। इसमें क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि जो हमारी पिछली शिक्षा नीति होती है उसमें जो कमियां हैं,
जो विद्यार्थियों के लिए ऐसी है कि जो उनको कहीं ना कहीं दिक्कत कर रही हो या उनकी कामयाबी में कहीं ना कहीं दुविधा डाल रही हो, तो उन कमियों को दूर करके पिछली शिक्षा नीति में उन कमियों को दूर करके एक नए फैक्ट डाल दिए जाते हैं जिससे कि विद्यार्थी जीवन उज्ज्वल, विद्यार्थियों के लिए उज्ज्वल भविष्य आगे आने वाले समय में बन सके। ठीक है, तो ये होती है शिक्षा नीति। तो याद रखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को जो केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है वो 29 जुलाई 2020, डेट याद रखनी है क्लियर, इसीलिए इसका नाम पड़ा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। बहुत बहुत धन्यवाद।